हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, यूजीसी की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको बताया गया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है। और आप यह भी जानते हैं कि COVID-19 के केसेस को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस भी निकाली गई थी, लेकिन अब उन्हीं गाइडलाइंस को फिर से चेंज किया जा सकता है, उन्हीं गाइडलाइंस को फिर से रिविजिटेड किया गया है। तो इस पूरी अपडेट को जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें और बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए उस अपडेट को पूरा अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC इज कंसिडरिंग एडवाइसिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू कैंसिल देयर फाइनल एग्जामिनेशंस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस इन लाइट ऑफ द इंक्रीज इन COVID-19 केसेस, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनके अनुसार COVID-19 के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए UGC ने एडवाइस किया गया है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के एग्जाम्स और उनके सेमेस्टर एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। इट मे ऑल्सो रिकमेंड फर्दर डिलेज इन द एकेडमिक कैलेंडर विद द नेक्स्ट सेशन पुश्ड बैक टू अक्टूबर। और साथ ही UGC यह भी कंसिडर कर सकता है कि जो हमारे अगले साल के जो भी हमारे अकेडमिक कैलेंडर हैं, जो हमारे शैक्षणिक कैलेंडर हैं, उसको अक्टूबर तक पुश किया जाए, उसको अक्टूबर के बाद ही शुरू किया जाए। On Wednesday, Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank tweeted that he had advised the UGC to revisit its earlier guidelines on these issues. The foundation for revisited guidelines shall be health and safety of students, teachers and staffs, he said. तो जो हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से हमारे साथ कुछ बातें शेयर की हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप यह ट्वीट अपने ट्विटर के अकाउंट के माध्यम से देख सकते हैं। आई हैव एडवाइज द UGC इंडिया टू रिविजिट द गाइडलाइंस इशूड अर्लियर फॉर इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड अकेडमिक कैलेंडर। द फाउंडेशन फॉर रिविजिटेड गाइडलाइंस शैल बी हेल्थ एंड सेफ्टी स्टूडेंट्स टीचर्स एंड स्टाफ। तो हमारे HRD मिनिस्टर ने UGC को सलाह दी है कि जो गाइडलाइंस पहले इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए और एकेडमिक कैलेंडर के लिए जो जारी की गई थी, उन गाइडलाइंस को फिर से रिविजिट किया जाए, उन गाइडलाइंस को फिर से जारी किया जाए। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि जो भी रिविजिटेड गाइडलाइंस होंगी वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और स्टाफ को ध्यान में रखकर ही की जाएंगी। And this comes a day before the Supreme Court hearing on cancellation of class 12th and 10th examinations of the Central Board of Secondary Education CBSE due to the spread of COVID-19. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए क्लास 12th और 10th के बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल करने की बात कही गई है। तो उन्हीं बातों के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली थी, उसी से एक दिन पहले यह ट्वीट हमारे HRD मिनिस्टर ने किया है। इन अप्रैल, अ UGC पैनल हेडेड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाइस चांसलर RC कुहार हैड रिकमेंडेड दैट फाइनल एग्जामिनेशंस कुड बी हेल्ड इन जुलाई व्हाइल इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स कुड बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट और एग्जामिनेशंस वेयर पॉसिबल। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के जो वाइस चांसलर RC कुहार हैं, उन्होंने अप्रैल में ये रिकमेंड किया था, उन्होंने अप्रैल में सिफारिश की थी कि जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन से जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो जुलाई में कराए जाएं, जबकि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनल असेसमेंट या एग्जामिनेशन के बेस पर उनको पास किया जाए या उनको प्रमोट किया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। एंड UGC's गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द पैनल रिपोर्ट्स had also recommended that the new academic year begin on August 1 for the second and third year students and September 1 for the first year students. और साथ ही पैनल रिपोर्ट के आधार पे जो जो भी UGC की गाइडलाइंस थी, उन्होंने यह भी सिफारिश की थी
कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अकेडमिक ईयर 1 अगस्त से चालू किया जाए और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अकेडमिक ईयर सितंबर 1 से चालू किया जाए। However, ministry official says the Kuhar panel has updated its suggestions due to the rapid spread of the pandemic. हालांकि ministry officials का ये कहना है कि कुहार पैनल ने जो भी अपडेट्स किए थे वो COVID-19 की महामारी जो तेजी से बढ़ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपडेट किए थे। UGC will consider its recommendations to cancel the examinations and delay the calendar and is likely to issue fresh guidelines later this week. साथ ही UGC ने यह भी कहा कि वो एग्जाम्स को कैंसिल करने पर और एकेडमिक कैलेंडर को डिले करने पर सोचेगा और ऐसा हो सकता है कि इस वीक के लास्ट तक ये गाइडलाइंस इशू भी हो जाएं। तो इसका मतलब यह है कि अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है हमारे एग्जाम्स को लेकर। अभी UGC ने सिर्फ ये बातें सिर्फ एडवाइस की हैं और जो भी आप सभी के लिए जो भी न्यू गाइडलाइंस होंगी वो इस वीक के लास्ट तक आप सभी के साथ शेयर की जा सकती हैं। देयर आर कंसर्न्स रिगार्डिंग द ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी टू बी अडॉप्टेड इफ examinations आर कैंसल्ड। और साथ ही आपको यह भी बता दिया जाए कि काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं, काफ़ी चिंताएं हैं अगर हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं तो, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी चुनी जाएगी मतलब जो वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति चुनी जाएगी उसको किस तरीके से जारी किया जाए। इंटरनल असेसमेंट्स यूजली ट्रांसलेट टू प्रोजेक्ट वर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क को इंटरनल असेसमेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। सो इसके लिए जो चिंताएं हैं जो डिफिकल्टीज हैं वो यहाँ बताई गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फॉर अ स्मॉल कॉलेज विथ 500 स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर देयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैन बी चेक एंड ग्रेडेड बट फॉर लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटीज विथ 2 or 3 lakh स्टूडेंट्स फॉर अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस इट विल बी इम्पॉसिबल टू चेक दैट मैनी रिपोर्ट्स कार्ड सेड अ सीनियर ऑफिशियल डिटेलिंग द डिफिकल्टीज। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में तो उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्ड को उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को चेक किया जा सकता है, उनको ग्रेड किया जा सकता है। बट अगर किसी यूनिवर्सिटीज में 2 या 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को चेक करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। Another option would be to use students' performance in previous semester examinations instead. और साथ ही UGC ने यह भी बताया कि एक option और हो सकता है कि जो students के previous semesters की performance, जो भी उनके previous semester के marks हैं उनके base पर students को promote किया जा सकता है। और यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, ऑल्थो UGC's गाइडलाइंस आर ओनली एडवाइसरी इन नेचर। तो आप सभी को बता दिया जाए जो भी ये UGC की गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ एडवाइसरी हैं, ये सिर्फ अभी तक एडवाइस की गई हैं, इन पे कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। विद ईच यूनिवर्सिटी मेकिंग इट्स ओन डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लोकल कंडीशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। तो और जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी अपना ओन डिसीजन लेंगी अपनी लोकल कंडीशंस को देखते हुए और अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स को देखते हुए। एंड सेवरल वाइस चांसलर सेड दे वुड अवेट द सेंट्रल बॉडी नॉर्म्स बिफोर टेकिंग अ फाइनल कॉल। साथ ही काफ़ी वाइस चांसलर्स ने यह भी कहा कि वो कोई भी फाइनल कॉल लेने से पहले, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले सेंट्रल बॉडी नॉर्म्स का वेट करेंगे, जो भी केंद्रीय निकाय के मानदंड होंगे वो उनका इंतजार करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक जितने भी गाइडलाइंस आपके साथ शेयर की गई हैं वो सिर्फ एडवाइसरी इन नेचर है, उनको सिर्फ अभी तक एडवाइस किया गया है, उनमें कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं है जिस पे अभी तक फाइनल डिसीजन ले लिया गया हो। UGC रेगुलेट्स 945 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग 412 स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। All education institutions have been closed since mid-March, although many have continued classes through online and distance education. और साथ ही आपको यह भी बता दिया जाए कि जो UGC है वो पूरे कंट्री में 945 यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट्स करता है
और हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटीज 412 यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है और साथ ही 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मिड मार्च से मतलब 16 मार्च से हमारे सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद चल रहे हैं, पर काफी सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने अपने ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस चालू किए हैं। तो आप सभी को बता दिया जाए कि जो आप सभी ने अभी तक जितनी भी गाइडलाइंस देखी हैं, जो भी आपने सुनी है, वह गाइडलाइंस सिर्फ अभी तक एडवाइस की गई हैं। उन गाइडलाइंस पर अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते के लास्ट डेट तक यूजीसी आपके साथ अपनी फाइनल गाइडलाइंस शेयर कर दे। तो इसका मतलब यह है कि आपको भी एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा यूजीसी की फाइनल गाइडलाइंस और फाइनल डिसीजन के लिए है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।